चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कोल मंत्रालय की आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि 2 साल में कोयले की मांग में भारी कमी आ सकती है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़े हैं। और कोयले की कमी मतलब डिमांड की कमी कोल इंडिया से, कोयले की तो डिमांड रहेगी लेकिन जो कोल इंडिया शायद प्रोड्यूस करता है उसमें कमी आ सकती है, तो थोड़ा पेचीदा सवाल है ये। लक्ष्मण जी बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या है पूरा मामला? जी गुड आफ्टरनून, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोल की डिमांड बनी रहेगी, कोल की खपत भी बनी रहेगी, खपत बढ़ भी जाएगी, लेकिन कोल इंडिया से जो कोल की डिमांड होती है वो कम होने के आसार है। ये दरअसल कोल मिनिस्ट्री का इंटरनल असेसमेंट है, आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट है। ऐसा इस वजह से है कि अभी देखा यह गया कि कोल इंडिया से जो टॉप 50 के पावर सेक्टर के खरीदार हैं और टॉप 50 के नॉन पावर सेक्टर के खरीदार हैं, वो अभी जितना कोल खरीदते हैं वो देखा गया कि उन सब के पास, अधिकांश के पास कैप्टिव कोल ब्लॉक है। उस कैप्टिव कोल ब्लॉक से उत्पादन शुरू होना शुरू हो जाएगा 2 साल बाद। जैसे उत्पादन शुरू होना शुरू हो जाएगा तो अपने कैप्टिव कोल ब्लॉक से कोयला लेंगे, ना कि कोल इंडिया से लेंगे। तो ऐसे में 2 साल बाद ये खरीदार जो अभी खरीदार हैं टॉप 50 पावर सेक्टर के, टॉप 50 नॉन पावर सेक्टर से, वो कोल इंडिया से धीरे धीरे अपना डिमांड कम कर देंगे, कोयला खरीदना कम कर देंगे। ये शुरुआत में 20% शुरू होगा, आगे चलकर 58% तक जा सकता है। अब आप पूछेंगे 58% का डेटा कहां से आया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट है जो मैंने खुद देखी अपनी आंखों से, उसके मुताबिक पावर सेक्टर के टॉप 50 के खरीदार और नॉन पावर सेक्टर के टॉप 50 के खरीदार कुल मिलाकर 691.26 मिलियन टन कोयला खरीदते हैं कोल इंडिया से। ये पिछले कारोबारी साल के आंकड़े के आधार पर कह रहे हैं। अब ये जो दोनों टॉप 50 खरीदार हैं दोनों सेक्टर के, उनके पास अभी जो कैप्टिव कोल ब्लॉक है वो 404.56 मिलियन टन का है। अगर ये फुल कैपेसिटी में अपनी कैप्टिव कोल ब्लॉक से कोयला का उत्पादन शुरू कर देते हैं तब समझिए कि ये 58% तक ये कोयला खुद प्रोड्यूस कर लेंगे अपनी जरूरतों का, इनको कोल इंडिया के पास नहीं जाना पड़ेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कोल इंडिया के मौजूदा जो खरीदार हैं उनसे कोल इंडिया के तरफ से कोल इंडिया की कोल की डिमांड जो है वो कम हो सकती है। ये आकलन है आपको कोयला मिनिस्ट्री का। अगर आपके पास समय हुआ तो मैं आगे डिटेल में बताऊँ क्या टॉप 50 जो पावर सेक्टर को उनका कितना प्रोडक्शन होना है, उनका कितना कैप्टिव है, दूसरे कितना कैप्टिव है। लक्ष्मण जी आपके लिए समय समय बताइए। जी बिल्कुल, दरअसल जो दूसरे इसके एलिमेंट है, चूंकि टॉप 50 के हमने पावर सेक्टर का देखा डेटा, उसमें हमने देखा कि उसमें अगर पूरे अपने कैप्टिव कोल ब्लॉक से कोयला का उत्पादन शुरू करते हैं तो 40% तक वो जो है सो अपना डिमांड कम कर देंगे कोल इंडिया से। अभी पावर सेक्टर के टॉप 50 के जो खरीदार हैं वो कोल इंडिया से 614.24 मिलियन टन कोयला खरीदते हैं और इनके पास जो कैप्टिव कोल ब्लॉक है 242.24 मिलियन टन का है। माना यह जा रहा है कि 2 साल बाद से इस कैप्टिव कोल ब्लॉक से अच्छा खासा उत्पादन शुरू हो जाएगा। अगर ये पूरे पीक का उत्पादन करते हैं, यानी जितनी क्षमता है कैप्टिव कोल ब्लॉक का उसका उत्पादन करना शुरू कर देते हैं तो 242.24 मिलियन टन कोयला वो कोल इंडिया से ना खरीद के खुद से उत्पादन करेंगे, जो 40% बैठता है, यानी 40% इनकी डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरीके से नॉन पावर सेक्टर के पास अभी कोल इंडिया से 77.02 मिलियन टन कोयला खरीदते हैं। जी जी, मैं आपसे पूछ रहा था, आपने एग्जैक्टली ये बता तो दिया है और 2 साल का हमें एग्जैक्टली एक सेंस भी मिल गया, तो अब विकल्प क्या होगा? क्या 2 साल बाद कोल इंडिया अपने प्रोडक्शन लक्ष्य घटाएगी, अपनी कैपेसिटी को ट्रिम करेगी? ये जो प्रोडक्शन और एग्जैक्टली सेल्स का मिसमैच है उसको कैसे भरा जा सकता है? तर्कसंगत सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो काफी ज्यादा जायज है। तो इसमें 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि कोल इंडिया सीधा कोयला ना बेचे, कोल इंडिया कोल गैसिफिकेशन में उतरे और कोयला के पास कोयला ब्लॉक जो है उस कोयला ब्लॉक से कोल माइनिंग किए बगैर वहां से गैस बना करके उसको गैसिफिकेशन के जरिए कोयला बेचे। ये इस पे काम चल रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा जो आप कह रहे हैं वाकई कोल इंडिया के लिए थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उनके लिए अपना मार्जिन सस्टेन कर पाना थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। क्योंकि अभी देखें तो अभी उनका जो मार्जिन है वो काफी हद तक कम होना शुरू हो गया है। अगर आप पिछले साल का मार्जिन देखें तो 252% प्रीमियम पर कोल इंडिया अपना कोयला बेचा करता था। प्रीमियम का मतलब 2000 रुपए रखते थे प्राइसेस और टेंडर निकलता था 5000 का।
अभी पिछले साल ये 252% से घट करके 72% हो गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। मार्च में तो 43% तक आ चुका था, तो अभी प्रीमियम कम होना शुरू हो गया है, जो ये भी कोल मिनिस्ट्री के इंटरनल रिपोर्ट में बात सामने निकल कर आई है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ आप निकाल लीजिए, लेकिन मुझे बहुत ही क्या कहते हैं कि काफी लुभावना मौका है कोल इंडिया के लिए, कोयला बेचने का ये अवसर थोड़े से कम दिख रहे हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल दी लक्ष्मण जी ने। तो इन नटशेल, क्योंकि जो कंपनियां कोयला यूज़ करती हैं, अब आगे जाके उनके पास खुद कैप्टिव माइंस होंगी, तो कोयले की डिमांड नहीं कम होगी, ऐसा नहीं है कि देश में कोयले की डिमांड कम होगी, लेकिन कोल इंडिया के ऊपर एक्सक्लूसिविटी जो है वो ख़त्म होने के चांसेस यहां पर बन रहे हैं। इसकी वजह से होती, देखिए जैसे ही ये लक्ष्मण जी ने ये पूरी जानकारी देनी शुरू की, स्टॉक में किस तरीके से एक डिक्लाइन आई और टिक बाई टिक आपने देखा था किस तरीके का इम्पैक्ट आया। गौरांग जी, कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक जिसने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है पिछले एक साल में, और काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है यहाँ पर, आपने लक्ष्मण जी को सुना होगा, क्या एक इन्वेस्टर को यहाँ पर अब थोड़ा घबराने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि नहीं डिमांड अगर कम भी हो जाएगी तो भी इतनी डिमांड तो रहेगी कि कोल इंडिया फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेगा? तो अनुज, डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कोल इंडिया पर खरीदारी की राय, और हमारे माननीय संवाददाता लक्ष्मण रॉय जी ने जो बताया उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और एक दो चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कार्बन रिलीज जो होता है, कार्बन फुटप्रिंट्स जो है वो कम करने की बात की है धीरे धीरे करके आने वाले कुछ वर्षों में, एंड नेट न्यूट्रल की भी बात की है। अब उस परिस्थिति में भी अगर आप देखना चाहे तो अनिवार्य ये होगा कि कोयले का इस्तेमाल जो हम करते हैं उसको कम करना बेहद ही अनिवार्य होगा अगर आपको अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ कैप्टिव कोल माइंस, इन सब क्षेत्र की कंपनियां अपना उत्पादन खुद करेगी, और उत्पादन जो करेगी वो छोटी क्षमता या मात्रा नहीं है, वो बहुत बड़ी मात्रा है, जिस प्रकार से लक्ष्मण रॉय जी ने अभी बताया। अब इस परिस्थिति को, और दूसरी बात अनुज भाई, जो नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता आ रही है वो ज्यादातर क्लीन एंड ग्रीन पावर को फोकस में लेकर के आगे आ रही है, तो आपको जाहिर है कोयला कम इस्तेमाल होगा। मगर क्या ये इतना क्या ये परिस्थिति इतनी जल्द परिवर्तन हो जाएगी कि नतीजों में एक बहुत ही बड़ा नकारात्मक असर दिखेगा, उसके लिए समय लगेगा अनुज। तो आप अगर ये सोचते हैं कि भाई चले आने वाले साल डेढ़ साल तक अगर मैं निवेशित रहता हूं और यहां से ऊपर की तरफ के दायरे बनते हैं जो कि हमें लग रहा है, तो शायद वो समय होगा आने वाले साल डेढ़ साल में कि आपको अगर नया निवेश करना होगा तब जाकर के आपको रणनीति पर ध्यान देना होगा, लेकिन अभी फिलहाल परिवर्तन होगा लेकिन इतना जल्द नहीं होगा। ओके, बिल्कुल।